सुरेश, जब भी आप ग्लव्स ले रहे हो तो उनकी साइजिंग परफेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट शुड नॉट बी टाइट और इट शुड नॉट बी टू लूज, तो एकदम प्रॉपर स्नग होना ज़रूरी है। सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू मेजर योर पाम साइज और ग्लव की फिटिंग कैसी अच्छे से हो सकती है। सो अगर आप ग्लव्स ऑफलाइन ले रहे हो कोई भी स्टोर पे जाकर या फिर आप हमारे स्टोर पे आ रहे हो, सो हम लोग तो आपको डेफिनेटली अच्छा गाइडेंस के साथ ही आपको एक ग्लव देंगे। और अगर आप ग्लव ऑफलाइन नहीं ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो हमारी वेबसाइट से या फिर कोई और भी वेबसाइट से, तो आपको आपका पाम साइज फिर आपका मेजरमेंट कैसे एक्यूरेट लेना है उसका बात ये वीडियो में करेंगे। अगर आप ग्लव ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको हर ग्लव मैन्युफैक्चरर का जो साइज चार्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट तो अपने हाथ का मेजरमेंट लेना चाहिए। उसके लिए आपको ये टेप्स टेलर्स के पास में वगैरह रहती है, ये वाली टेप से कर सकते हो। अगर ये टेप आपके पास नहीं है तो कोई भी आप थ्रेड ले सकते हो, और अगर वो भी नहीं आपको मिल रहा है तो आपका चार्जर केबल भी आप लेके आपका जो वाइडेस्ट पार्ट है पाम का वहां पे रखना है और मेजरमेंट लेनी है। एंड देन ये आपकी रूलर, ऐसे रूलर पे रखो है, आपको इसका मेजरमेंट लेना है प्रॉपरली। ये हो गया पाम का सर्कमफेरेंस के हिसाब से। कोई कोई ग्लव्स में आपको जो है मेजरमेंट आपको ऐसे भी दिखानी होती है, मतलब आपकी जो लॉन्गेस्ट फिंगर है या फिर मिडिल फिंगर जो है अपनी, वहां से लेकर ये पूरा यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है। जो रिस्पेक्टिव ब्रांड का आप ग्लव लेना चाहते हो उसका साइज चार्ट देखना है और फिर ही आपको वो ग्लव का ऑर्डर प्लेस करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर ग्लव की फिटिंग, हर मैन्युफैक्चरर के भी दो डिफरेंट डिफरेंट ग्लव्स की फिटिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी ये राइडा का एयरवेव है 2XL, ये काफी स्नग फिट बैठता है। उसी जगह पे स्काला का जो वाइपर ग्लव है विद सास्टिक प्रोटेक्टर एट द नकल, इसका फिट एक कंफर्ट फिट बेट है। सो आपको जो मेजरमेंट है दोनों हाथ की लेनी है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों हाथ की, बिकॉज दोनों हाथ कभी कभी काफ़ी टाइम पे अनइवन रहते हैं। सो दिस इज कॉमन, दोनों एक आपका जो डोमिनेंट हाथ होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। उसमें से जो भी हाईएस्ट मेजरमेंट होगी वो मेजरमेंट के अगेंस्ट आपको जो है ग्लव सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा 9.5 के आसपास आता है, सो आई डेफिनेटली गो फॉर एक्सेल साइज इन ऑलमोस्ट ऑल द ग्लव्स, बट कोई कोई ग्लव्स में मुझे डबल एक्सेल लगता है, कोई कोई ग्लव में एल साइज भी लगता है डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ग्लव्स। ये हो गया मेजरमेंट वाला पार्ट। उसके बाद में ग्लव आपके पास डिलीवरी मिल गई आपको, उसके बाद ग्लव पहनना है, ग्लव को थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्स करना है, थोड़ी देर ऐसे रखना है आपको, मुट्ठी बंद करके रखना है कि जो फिंगर्स है वो चेक करनी है। लास्ट फिंगर होती है, लास्ट दो फिंगर्स होती है, उनकी मेजरमेंट इतनी मायने नहीं रखती बिकॉज ये दोनों फिंगर्स की ज़्यादा यूज़ नहीं होती वाइल राइडिंग ए मोटरसाइकिल। हम लोग ब्रेक भी ये दो फिंगर्स से करते, क्लच भी दो या तीन फिंगर्स से करते, तो ये वाला कितना भी लूज रहेगा चलेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो फिटिंग है प्रॉपर होना चाहिए। तो एक दो तीन मिनट आप पहन के रखिए, थोड़ा सा आगे स्पेस होना चाहिए बिकॉज जब भी हम लोग थ्रॉटल पकड़ते हैं या फिर हैंडल बार पकड़ते हैं वो टाइम पे ये ट्विस्ट होने के बाद वहाँ पे प्रेशर आ सकता है अगर आपने थोड़ा टाइट ग्लव लिया है तो। एंड थंब में भी आपको ऐसा मूवमेंट करके देखना है कोई डिस्कम्फर्ट है नहीं है, तो अगर डिस्कम्फर्ट है दैट मीन्स ये आपका ग्लव नहीं है। इनिशियल स्टेप्स के बाद में आपको ऐसे कुछ सर्कुलर कोई एक ऑब्जेक्ट लेना है या फिर सबसे बेस्ट आपको बाइक के पास जाके बाइक का थ्रॉटल पे ऐसे पकड़ के उस आपको ट्राई करना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है ऐसा, एंड देखना है आपको कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है थंब में या फिर कोई भी फिंगर्स में। सो आपने कभी भी अगर लेदर ग्लव पहना नहीं है तो आपको इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि पहनते वक्त या फिर राइड करते वक्त, बिकॉज लेदर का फील थोड़ा सा डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू द टेक्सटाइल ग्लव्स जो 500-600 या 1000 रुपीज स्कॉइको या फिर प्रोबाइकर जो ग्लव्स काफ़ी लोग स्टार्टिंग में वो पहनते हैं। तो उसके बाद में लेदर का जो है फील स्टार्टिंग में अलग होगा, बट वंस यू गेट यूज टू इट यू विल नेवर राइड विदाउट लेदर ग्लव्स, बिकॉज इसका सबसे इंपॉर्टेंट तो एब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है एंड लेदर का जो फील होता है बाइक चलाते वक्त वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होता है। सो मेरा सजेशन वुड डेफिनेटली टू गो विथ लेदर ग्लव, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्लव भी टिकेगा अच्छे से एंड आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और एक लास्ट टिप ये बताना चाहूँगा, अगर आपका जो मेजरमेंट है एकदम कट टू कट है, मतलब एल और एक्सएल के बीच में है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अपर साइज। अगर आपका 9.4 या 9.45 अगर मेजरमेंट आता है तो आप एक्चुअली एल साइज की कैटेगरी में पड़ते हो, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर एक्सएल साइज बिकॉज ग्लव में थोड़ा सा कम्फर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी टाइट होता है तो आपकी राइड पूरी रुइन हो जाती है। एक बार मेरे साथ हुआ था ये, यहाँ पे थंब के इधर काफ़ी प्रेशर आ चुका था एंड
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वो राइड पे। सो ऑलवेज गो, थोड़ा सा कंफर्ट साइज भी आप लोगे ग्लव में तो चलेगा, बट मेक श्योर ग्लव पहनने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस नहीं हो। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आपको राइड करते वक्त डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वो ग्लव बार बार आगे सरकेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लव साइजिंग, और ग्लव लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो सब मैंने ट्राई किया है। अगर आप कोई भी स्टोर से लेते हो तो एक बार परचेस करने से पहले उनको वापस एक बार कॉल करके पूछना कि ये वाला साइज मैं पिक कर रहा हूँ, आप सजेस्ट करते हो ये या फिर और एक साइज ऊपर जाओ, क्योंकि हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं ग्लव का। अगर मतलब किसी का ऑर्डर भी आया तो मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको एक बार कॉल करें कि आई यू श्योर कि ये वाला ग्लव का साइज आपके लिए ठीक है, बिकॉज जैकेट एंड पैंट का तो मोस्टली करेक्ट आ जाता है, बट ग्लव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर वाइल प्लेसिंग ऑर्डर यू कॉल एंड कन्फर्म कि ये वाला ही मुझे ग्लव परफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। सो इसके साथ ये वाला वीडियो ख़त्म करता है। अंटिल देन ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप।